मोदी के समर्थन में वक्फ बोर्ड, शादाब शम्स का बड़ा ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता। क्या आप इस खबर पर भरोसा करेंगे कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने फिर से मोदी सरकार बनने की बात कही है? क्या आपको यकीन होगा कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए प्रार्थना की है? इतना ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध दरगाह पर जाकर पीएम के लिए चादर भी चढ़ाई है। आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स की। हाल ही में न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश की जनता उस वक्त हैरान रह गई जब प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने पीएम मोदी के लिए बड़ी बड़ी बातें कहना शुरू कर दिया। शादाब शम्स ने कहा, पीएम मोदी को तीसरा कार्यकाल अवश्य मिलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश को नुकसान होगा। आखिरी आदमी जिसे पहले कभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला था, उसके सिर पर छत है, शौचालय मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं, देश हर मोर्चे पर प्रगति कर रहा है। आपको बता दें, शादाब ने हरिद्वार के पिरान कलियर में साबिर साहब की विश्व प्रसिद्ध दरगाह पर पीएम मोदी के लिए चादर भी चढ़ाई थी। इसी दौरान शादाब से सवाल पूछा गया कि क्या मुसलमान खतरे में है, जो कि अक्सर बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है। इस सवाल के जवाब में शादाब ने जो कहा वो सबको सुनना चाहिए। शादाब कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न तो मुसलमान खतरे में है और न ही भारत का संविधान खतरे में है। जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, खतरे में केवल कुछ राजनेताओं की दुकान है। विपक्षी नेता देश के लोगों, खासकर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए ये झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री की मुस्लिम विरोधी छवि बनाने के लिए झूठे इल्जाम व झूठा प्रचार कर रहे हैं। मोदी ने अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए इतने जनहितकारी कार्य किए जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब की बातें सुनकर एक तरफ जहां कुछ मुस्लिमों को बुरा लगा, कुछ मौलवी चिढ़ गए, तो वहीं बाकी देश की जनता बहुत खुश नजर आई। वैसे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का ये बयान पहली बार नहीं आया है, बल्कि इस तरह का बयान वो पहले भी कई बार देते रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अक्सर देखा गया है और ये बयान बताता है कि प्रदेश की जनता का रुझान भी किस तरफ है। और एक बार फिर से याद दिला दें, इस प्रदेश में किसकी सरकार है? पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। ये वो राज्य है जहां पर हिंदू मुसलमान अपने अपने धर्म को तो मानता ही है, साथ ही साथ दूसरे धर्म का भी उसी तरीके से आदर करता है, क्योंकि एक संदेश सीएम की तरफ से दिया गया है और वो है भाईचारे का संदेश। और शायद इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी को जबरदस्त तरीके से पसंद करते हैं। बहरहाल, जिस तरीके से उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए, उनके लिए प्रार्थना करते हुए नजर आए, उनके लिए दरगाह पर चादर चढ़ाते हुए नजर आए, आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।